हेलो किड्स टुडे वी आर गोइंग टू रीड इंग्लिश क्लास टू एंड द चैप्टर नेम इज़ द मैजिक ने स्पॉट वंस देयर वाज अ लिटिल गर्ल नेम्ड तारा शी लिव्ड विथ हर मदर दे वेयर फेरी पुअर एक समय की बात है एक छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम था तारा वह अपनी माँ के साथ रहती थी वे दोनों बहुत गरीब थे वन डे शी वेंट टू अ फॉरेस्ट देयर शी मेट एन वोल्ड एन ओल्ड वुमेन द ओल्ड वुमेन गेव हर अ पॉट शी सेड दिस इज़ अ मैजिक पॉट इट विल कुक पॉरिज फॉर यू वेन यू से कुक पॉट कुक इट विल स्टॉप Stop, stop. ंगल में गई और उसे एक बूढ़ी औरत मिली उस बूढ़ी औरत ने उसे एक पौट दिया। पौट, एक बर्तन वह एक मैजिक पॉट था तो उसने क्या बताया उसको कि जब उसको उस पॉट को तुम बोलोगी कुक पॉट पुट कुक पॉट कुक पकाओ बर्तन पकाओ तो ये पॉरिज बनाना शुरू कर देगा और जब बोलेगी स्टॉप पॉट स्टॉप रुको बर्तन रुको तो यह बर्तन पॉरिज बनाना स्टॉप कर देगा तारा वॉज वेरी हैप्पी शी रैन टू हर मदर एंड सेड मद वी विल नो लॉन्गर बी हंगरी एज आई है मैजिक पॉट तारा बहुत खुश हुई बहुत अपनी माँ के पास दौड़ के गई और उसने बोला कि माँ हम अब ज्यादा दिन तक भूखे नहीं रहेंगे मुझे एक मैजिक पॉट मिल गया है तारा सेट टू दॉट कुक पॉट कुक एंड द पॉट कुक पॉलिस्ट पॉल्ड हर मदर वॉज वेरी हैप्पी एंड दे बोथ एट पॉल्च क्या होता है खिचड़ा दलिया तो तारा ने जैसे ही का तो शुरू कर दिया और दोनों ने पेट भर करके पॉलिज खाया वन डे वेन तारक हैड गॉन आउट हर मदर फेल्ट हंगरी शी सेड

अब उसकी माँ ने उसको बोला रुको पॉट रुको डोंट डोंट कुक पॉट मतलब मत बनाओ पॉट तो पौरेड़, पौरेड़ जो होगा पॉट जो, जो है पॉरेट बनाना उसने बंद बन नहीं किया वो बनाता चला गया सून द पॉरिट पॉरिट स्टार्टेड स्पिलिंग ऑन द फ्लोर अब जल्दी ही क्या हो गया पॉरेट जो है फर्श पे छलकने लगा बाहर निकलने लग गया पॉट से मदर कॉल्ड आउट अगेन मदर ने दोबारा बोला वेट टू नॉट कुक एनी मोर रुको अब बिल्कुल मत बनाओ अब अब बनाना बंद कर दो पर द पॉट डि नॉट स्टॉप पर जो पॉट है वो रुक ही नहीं रहा था मदर रन आउट ऑफ द हाउस एंड द पॉरेट्स फॉलोड हर वो उसकी माँ भाग कर के बाहर घर से निकली पर पॉरेट जो था छलकते हुए उसके पीछे पीछे बाहर तक आ रहा था जल्द ही चारों तरफ हर जगह पॉरिट्स हर जगह नजर आने लग गया फैल गया द होल पूरे गांव वालों ने इसको देखा दे रैन टू the porridge. सब भागे उस पॉरेट को खाने के लिए When Tara came back, she तारा केम बैक सो द रोड वॉज porridge. अब जैसे जब तारा वापस आती है तो तारा ने देखा कि पौ सब जगह सड़क पे पूरी जगह भर चुका है शी शी रैन होम एज फास्ट एज शी कैन शी कुड अब वो भा, उसने भागना शुरू कर दिया जितना तेज़ी से वो भाग सकती थी अपने घर की तरफ शी हर्ड हर मदर शाउट उसने अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज़ को सुन लिया था माँ का चिल्लाना सुन लिया था तारा तारा द पॉट इज़ कुकिंग एंड इट विल नॉट स्टॉप तारा पॉट बर्तन जो है पकाता जा रहा है वो बंद ही नहीं हो रहा रुक ही नहीं रहा तारा कॉड आउट स्टॉप पॉट स्टॉप एंड इट स्टॉप कुकिंग जैसे ही तारा ने कहा रुको बर्तन रुको तो बर्तन ने पॉर्च बनाना बंद कर दिया अब फोक टेल, ये एक लोक कथा है है ना? अब इसके न्यू वर्ड्स मैजिक 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 मीन्स जादू कुक कुक मींस पकाना पॉरेज बताया मैंने आपको दलिया खिचड़ा स्पिलिंग छलकना बिखर जाना होल होल मीन्स संपूर्ण सभी गांव अब इसके क्वेश्चन आंसर वेयर डेड तारा गो वन डे तारा वेन टू अ फॉरेस्ट वन डे ऐसे भी हो सकता है ओल्ड वूमेन गिव तारा द ओल्ड वुमेन गिव तारा अ पॉट वॉट डिड द मैजिक पॉट कुक the magic pot cooked porridge. who said, who said, do not cook pot, mother said, do not cook pot. pot, why was there so much porridge on the road? there was so much porridge on the road because tara's mother did not know what to say so. डेट द पॉट कुड नाट स्टॉप कुकिंग ये क्वेश्चन आंसर ख़त्म हुए अब इसके आगे हैं लेट स्टॉक ये आपस में अपने क्लासमेट से आप इस टॉपिक पर आपस में टॉक कर सकते हो वॉट डू यू ईट फॉर योर ब्रेकफास्ट जो आप खाते होंगे वोट डू यू लाइक टू ईट वीथ पॉलिट आप गेहूँ का पॉलिट खाना पसंद करते हैं दलिया खाते होंगे आप लोग हैव यू सीन एनी मैजिक टेलस अबाउट इट आपने कभी कोई मैजिक देखा है तो इसके बारे में बताओ जैसे कि मैंने देखा है जो मैजिक शोज़ होते हैं उसमें वो आ, अपने हैट में से कभी कबूतर निकालता है कभी खरगोश निकालता है अपने हाथ से वो फ्लावर फ्लावर निकालता है कलरफुल हैंकीज़ निकालता है दूसरे की जेब से ये सब हमने बचपन में देखे हैं और आपने कौन सा देखा है या आप अपने आप, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो वट डू यू कॉल मैजिक इन योर ओन लैंग्वेज तो मैजिक को जो अपने लैंग्वेज में आप बोलते हो जैसे जॉन जनरली तो सभी जादू बोलते हैं ठीक है अब ये कुछ वर्ड्स हैं जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है प्रोनाउंशिएट करना है फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन और दी वंस देयर वॉज इसमें होगा ए ब्यूटिफुल गार्डन तो फर्स्ट में होगा ए इसके बाद सेकेंड है सेकेंड में होगा द इसमें होगा द गार्डन इसके बाद द गार्डन हैट अन एप्पल ट्री इसमें एन हो जाएगा अब इसमें हो जाएगा आपका एन ऑरेंज अब इसमें एक गोबा ठीक है अब इसके बाद इन 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 द गार्डन इसमें द हो जाएगा इन द गार्डन Uh, इसमें इसमें अ uh हो जाएगा बिग जाइंट इन इन द गार्डन लिफ्ट अ बिग जाइंट जाइंट ओके अब यहाँ पे आएगा द जाइंट द जाइंट डिड नॉट लाइक चिल्ड्रेन टू प्ले इन द इसमें द हो जाएगा इन द गार्डन ओके इसके बाद आपका नीचे वाले में आ जाएगा यहाँ पे द जाइंट द जाइंट यूज टू ईट द फ्रूट एवरी डे फ्रॉम द गार्डन ओके इसके बाद आपका इस लास्ट वाले में हो जाएगा बट ही डिड नॉट शेयर दीज with the children अब इसके बाद है आपको के से स्टार्ट होने वाले पी जे टी एम से स्टार्ट होने वाले थ्री वर्ड्स लिखने हैं इन सारे लेटर्स से स्टार्ट होने वाले वाले थ्री वर्ड्स लिखने हैं जैसे फर्स्ट है फर्स्ट में किंग हो जाएगा काइट एंड थर्ड है काइंड ओके okay? ये के लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड हो गए अब इसके बाद है पी तो पी फॉर हो जाएगा पैरोट पॉट और पॉलिट ठीक है पॉलिट भी हो जाएगा अब इसके बाद है जे जे फॉर जोक जोक एंड जंप ओके अब इसके बाद फिर है टी टी फॉर टॉल टी फॉर ट्रक टी फॉर ट्रू ओके टी फॉर okay? टैप और टॉप भी हो सकता है अब इसके बाद एम फोर एम फोर होगा एम एम फोर होगा एम फोर मैन भी होगा एम फोर मैंगो भी हो जाएगा और एम फोर मदर भी हो जाएगा ठीक है ये भी कंप्लीट हो गया